वेलकम टू कुकिंग शूटिंग विद प्रिया। आज मैं बताऊंगी कि नसीराबाद के चमन लाल जी का कचौरा, जो फेमस कचौरा होता है, वो हम घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। इस कचौरे को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कचौरे की खास बात यह है कि इसे हम घर में 25 मेंबर भी आ जाए तो हम बिना किसी की मदद लिए अकेले ही घर पे बना सकते हैं। दिवाली पर खास मेहमान आए या घर में किटी पार्टी हो तो आप इसे बिल्कुल आसानी से घर पे बना सकते हो। इसको बनाने में सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम लगता है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ खास टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आप फॉलो कीजिएगा और बड़ी आसानी से घर पे आप इतना स्वादिष्ट और क्रिस्पी बिल्कुल चमन लाल जी के जैसा कचौरा आप घर पे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें आटा गूंथना है। आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी हमने मैदा ली है, नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून, तेल लेंगे हम आवश्यकता अनुसार और ये हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर ये नमक जो है मैदे में ऐड करेंगे और ये तेल हम डालेंगे मोयन के लिए, उतना ही डालेंगे जितने की हमारी गुठली बन जाए, ज्यादा हमें नहीं डालना है। इस तरह हम डाल के देखिए, इस तरह हमने इसमें मोयन डाल दिया और गुठली बन जानी चाहिए इस तरह, उतना ही हम डालेंगे। और अब जो हमने गुनगुना पानी लिया है वो हम इसमें ऐड करते हुए इसका जो है हमें एक डो तैयार करना है। आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी डालते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा एक डो तैयार हो जाए, ज्यादा गीला भी हमें इसको नहीं रखना है। इस तरह हमें ये सख्त डो तैयार करना है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए जो है रख देंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल ली है हमने 1 कटोरी, इसको हमने 2 घंटे पानी में भिगो दिया था और सारा पानी हमने इसका निकाल लिया है। और हमें चाहिए साबुत धनिया जो हमने अतकचरा कर लिया था, सूखा धनिया जो होता है वो हमें चाहिए 2 टीस्पून, गरम मसाला चाहिए हमने 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, सूखा पुदीना 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ लौंग लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हींग लेंगे 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून। ये जो हमने दाल भिगोई थी इसको हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है, बिल्कुल अतकचरा करना है, ज्यादा नहीं घुमाना है। पैन लिए हमने, इसको गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन करेंगे हम और 2 टीस्पून हम इसमें तेल डालेंगे। गरम होने पर हम इसमें हींग डालेंगे, ये देखिए गरम हो गया, अब इसमें हींग डालेंगे। और ये जो हमने दाल अतकचरी की थी इसको हमें इसमें डालना है, देखिए इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये दाल भी हम इसमें जो अतकचरी करी थी हमने इसको हम डालेंगे सारा। देखिए हमने इसको 2-3 मिनट तक चला लिया है। अब इसमें जो हमने जो मसाले हमारे रेडी है वो हम डालेंगे। इस तरह हमें सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार और हिलाएंगे। ये देखिए इस तरह हम इसमें सारे मसाले डाल के इसको हम हल्का सा सेकना है ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल सूख जाए और इसको हम हिलाएंगे अब अच्छे से, पूरा मसाला इसके अंदर हिल जाना चाहिए। इस तरह हमें इसको अच्छे से हिला लेना है। आप चाहे तो लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका मसाला बहुत ही स्पाइसी और तीखा होना चाहिए तभी इसको खाने में स्वाद आता है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये डो जो हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से हम चिकनाई लगा के इस पे और अच्छा सा हमें इसको जोर जोर से मैश करना है और फिर हम इसकी लोइयां बनाएंगे। थोड़ी सी हम इसकी मोटी लोई रखेंगे, पराठा बनाते हैं उससे, ये देखिए। और अब हम इसको चकले की मदद से हम इसको बेलेंगे। ये देखिए हमने लोया ले लिया है, अब इसको हम धीरे धीरे बेलेंगे। बिना आटे की मदद से हमें इसको बेलना है, हल्का सा आप चिकनाई लगा सकते हैं यदि बेलने में दिक्कत आ रही तो।
इस तरह हम बेल के इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम ये देखिए, ये जो मसाला तैयार किया था ये हमें इसके अंदर भर लेना है अच्छे से। इस तरह अच्छी क्वांटिटी में हमें इसको लेना है मसाले को, और जैसे अपन पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह हमने इसकी लोई तैयार कर ली है। अब हम इसको वापस हम बेलेंगे। कितना बड़ा रखना है वो आपकी चॉइस है, कितना भी बड़ा रख सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से जैसे हम पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेलना है। इस तरह हमें किनारों से ले जाते हुए बेलना है। ये देखिए, इस तरह हमारा बेल चुका है, पूरा हो गया है। अब इसमें चक्कू की हेल्प से हमें इसमें बड़े बड़े छेद करने हैं ताकि ये फूले नहीं, इसको हमें बिल्कुल भी फुलाना नहीं है। इस तरह हम पास पास बड़े बड़े इसके छेद कर देंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन ले लिया हमने, इसमें तेल डाल दिया है। अब हम जो है इसमें कचौरा डालेंगे, तेल बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। अब हम जो इसमें कचौरा डालेंगे जो हमने बेला था अभी, ये देखिए फ्लेम जो है बिल्कुल हमें फुल ही रखनी है इसकी। चिमटे की मदद से हमें इसको हल्का हल्का घुमाते जाना है। ये देखिए हमारा कचौरा ऊपर आ गया है, फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसे हम प्रेस करते जाएंगे हम, और दोनों साइड ही इसको सेकना है। देखिए हमारा कचौरा सिकने लग गया है, हम इसे पलट देंगे चिमटे की मदद से। 5 मिनट हमें बस इसको सीम आंच में सेकना है, बाद में हमें इसकी जो है फ्लेम फुल्ली कर देनी है। अब हमने इसको फुल पे कर दिया है, हमारा कचौरा सिकने वाला आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया। आप देखिए, ये देखिए, बस इसको हल्का हल्का ऐसे घुमाते जाना है और फिर हम इसको बस अब निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कचौरा तैयार हो गया है। इस तरह हम सारे कचौरे बना लेंगे। इस तरह एक जर में रखकर उसका हम तेल झाड़ लेंगे और सारे कचौरे को हमें इसी तरह रखते जाना है। इस तरह हमारे सारे कचौरे हमने तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट और क्रिस्पी कचौरे हमारे तैयार हुए हैं। आप प्लीज इसको जरूर घर पे बनाइएगा, बहुत आसान है। मेरे सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।